सुप्रभात बच्चों, आज हम शेमुषी द्वितीय भाग दसम वर्ग आय संस्कृत पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। आज बच्चों दशम कक्षा आय के अंतर्गत जो संस्कृत पाठ को हम पढ़ रहे हैं वह है पाठ चतुर्थ। ये चतुर्थ पाठ है शिशुलालनम। शिशुलालनम का अर्थ है शिशु से स्नेह करना। कुंदमाला ये नाटक है, ये कुंदमाला से है और ये नाटक है। थोड़ा सा इसका अनुवाद हम समझ लेते हैं। यह जो प्रस्तुत पाठ दिङ्नाम द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके संकलित है। इस नाटक के अंश में भगवान राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते, किंतु दोनों ही नम्रता पूर्वक क्या कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों की सुंदरता को देखकर मोहित होते हुए अपनी गोद में बैठाते हैं और इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन है। इस प्रकार यहाँ पे आज हम जो नाटक पढ़ने वाले हैं वह भगवान राम का अपने पुत्रों लव और कुश दोनों को ही सिंहासन पर बैठाना और उनकी सुंदरता को देखकर अपने आप में उनका बड़ा ही मनोहारी जो वर्णन है वह आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि बच्चों आप पिक्चर में देख रहे हैं, भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हैं, साथ ही उनके सम्मुख लव और कुश दिख रहे हैं। आज का हमारा जो पाठ है वह है शिशु लालनम। इसी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सिंहासनस्थ रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोप दिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। विदूषकः इत आर्यौ कुशलवौ रामम् उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलं महाराजस्य रामः युष्मदर्शनात् कुशलमेव भवतु किं वयमत्र कुशलप्रश्नस्य भाजनम् एवं ना पुनः पुनर्तिथि जनसमुचितस्य कंठाश लेसस्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः असाधानार्थ मुपवेश्यति। उभौ राजासनं खल्वेतत् न युक्तं मध्यासितुं रामः सव्यवधानं नाचारित्रलोपाय तस्मादङ्कः व्यवहति मध्यास्यतां सिंहासनम् अङ्कः मुपवेश्यति। ये जो मैंने संस्कृत का आपको पढ़ाया बच्चों, पहले इसके आप शब्दार्थों को समझिए। सिंहासनस्थ सिंहासन पर बैठे हैं, जैसे कि मैंने आप अभी आपको पिक्चर में दिखाया। सिंहासने स्थित विदूषकेन, विदूषक यानी मसखरा जो सबको हंसाता है, तो क्या कहते हैं विदूषक। उपदिश्यमान मार्गो मार्ग बताए जाते हुए यानी मार्गदर्शन। तापसौ दो तपस्वी तपोधनौ उपसृत्य पास पहुंचकर समीपम गत्वा प्रणम्य प्रणाम करके नमस्कृत्य युष्मत् दर्शनात् आप दोनों के दर्शन से भवतो दर्शनात् भाजनम् पात्र योग्यः कंठाश्लेष्यस्य गले लगाने के आलिंगनम् कर्तुम् परिष्वज्य आलिंगनम् करके आलिंगनम् कृत्वा हृदयग्राही हृदय को छूने वाला हृदयग्राही
जहां से तुम बैठना या बैठने के लिए उपवेष्टुम सब व्यवधानम रुकावट सहित व्यवधानेन सहितम लोपाय हानि नष्टाय अंगम अंकम यानी गोद में क्रीडम व्यवहितम व्यवधान सहित रुकावट सहित व्यवधानेन अध्यास अध्यास्यताम बैठिए उपविश्यताम। इनके शब्दार्थों को पढ़ा और समझा, अब इनके जो मैंने पढ़ाया आपको उसके भावार्थ को समझते हैं हिंदी अनुवाद को। राम जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया, राम सिंहासन पर बैठे हैं। अब विदूषक जैसे जिसको मस्खरा कहते हैं ना, इसके बाद विदूषक के द्वारा मार्ग बताए जाते हैं तपस्वी कौन है, लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदुष कहा इधर से, आर्य इधर से, लव कुश राम के पास पहुंचकर और प्रणाम करके, क्या महाराज कुशल हैं? राम भगवान राम क्या आपके दर्शन से कुशल ही हूं? क्या हम केवल आप दोनों के कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं? अतिथि लोगों के योग्य गले लगाने के नहीं, आलिंगन करके। अहो आपका स्पर्श तो हृदय को कैसा है, छू लेने वाला है। आसन के आधे हिस्से में बैठाते हैं दोनों, यहां तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। दोनों किसके लिए है, लव और कुश। ये तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम रुकावट सहित चरित्र की हानि नहीं होगी, इसलिए गोद के व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठिए। अर्थात सीधे आसन पर बैठने से आपकी तपस्वी मर्यादा का हनन हो, तो आप मेरी कहां बैठ जाइए, मेरी गोद में बैठ जाइए। और कहां बैठा लेते हैं, गोद में बैठाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उभौ अनिक्षाम नाट्यतः राजन अलमति तादिक्षणेन राम अलमति शालीनतया भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक के केत कच्छ दत्वं रामः ईशय भवतु सौंदर्य वलोक जनितिकेन सौंदर्या वलोक जनितेन पोतु हुलेन प्रक्षामी क्षत्रिय कुल पितामहयो सूरचंद्रयो को वा भवतोर वश्यस्य कर्ता। अन्वय समझिए, गुण महताम अपि वयो अनुरोधात् शिशुजना लालनीयः एव भवति बाल भावात् ही हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केत कच्छ दत्तं व्रजति। शब्दार्थ समझते हैं, जैसे कि यहां ऊपर दिया है अनिच्छाम यानी आना कानी ना इच्छाम, दाक्षिण यानी उदारता से, उदारतया शालीनतया विनम्रता से, बहुत ही विनम्रता से, विनम्रतया अलम मत बस पर्यंतम गुण महताम अत्याधिक गुणी लोगों के लिए, अधिक गुणी जनानाम वयो अनुरोधात छोटी उम्र के कारण, लघु आयु कारणात हिमकर चंद्रमा चंद्र पशुपति शिव शिवः केत कच्छ दत्वं केतिकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित केत कस्य छद्वं छदत्त
रजति होता है भवति, भवतो आप दोनों की युवयो सौंदर्य वलोक जनितेन, सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुई सौंदर्य अवलोकेन जनितेन, पितामह पिता के पिता यानी दादाजी, पितु बराबर पिता, कर्ता जनक जनका। चलिए इसके आगे के हिंदी अनुवाद को समझते हैं। जैसे कि बताया कि वो गोद में बैठाने के लिए कहते हैं भगवान राम, तो दोनों क्या करते हैं, आनाकानी का अभिनय करते हैं। दोनों कौन, लव और कुश। महाराज अत्यधिक उदारता मत दिखाइए, राम भगवान राम आप दोनों भी अधिक विनम्रता मत दिखाइए, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनी ही होता है। अत्यधिक गुण लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनी ही होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर जी के मस्तक पर आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। राम मैं आप दोनों की सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुई उत्सुकता से पूछ रहा हूं कि क्षत्रिय कुल के दादाओं सूर्य एवं चंद्र में से आप के वंश के जनक कौन हैं? क्षत्रिय कुल के दादाओं सूर्य एवं चंद्र में से आपके वंश के जनक कौन हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। लव भगवान सहस्त्र दीधेति रामा कथमस मत समाना भी जनौ संवृतौ विदूषकः किं द्वयो रप्येकमेव प्रतिवचनम्। लव भ्रात रावावम सौंदर्यौ, भ्रात रावावम सोद सोदर्यौ, राम समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचित दंतरम। लव आवाम यमिलौ राम संप्रति युज्यते किम नाम धेयम्। लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामि कुशम निर्देश्य आर्योपि गुरु चरण चरण वंद्या वंदनायाम, गुरु चरण वंदनायाम कुशः अहमपि कुशः इत्यात्मानं श्रावयामि। शब्दार्थ समझते हैं। सहस्त्र दीधिति सूर्य सूर्यः समानाभिजनौ यानी समान कुल में पैदा होने वाले समान कुलोत्पन्नौ संवृतौ हो गए संजातौ प्रतिवचनम, प्रतिवचनम उत्तर यानी उत्तरम सोदर्यौ सहोदर यानी सहोदर माने सगे भाई, सहोदरौ सगे भाई शरीर सन्निवेश शरीर की बनावट अंग रचना विन्यास यमलौ जुड़वा मथुनौ नामधेय धेयम नाम आत्मानम स्वयं को। चलिए आगे पढ़ते हैं। लव बोलते हैं भगवान सूर्य अर्थात हम सूर्यवंशी हैं। राम क्या हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए, क्या हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए। विदूषक क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव क्या बोलता, हम दोनों सहोदर, सहोदर माने सगे भाई, हम दोनों सहोदर सगे भाई। राम आप दोनों की शरीर की बनावट समान है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव हम दोनों जुड़वा हैं। राम अब ठीक है, नाम क्या है।
तब क्या बोलते हैं, हम दोनों जुड़वा हैं राम। अब ठीक है, नाम क्या है? लव। आर्य कुश की सेवा में मैं स्वयं को लव इस नाम से सुनवाता हूं। कुश की ओर संकेत करके आर्य, कुश भी गुरुजनों की सेवा में, कुश मैं भी कुश इस नाम से स्वयं को सुनवाता हूँ। इस प्रकार बच्चों मैंने यहाँ पर अभी आपको शिशु लालनम पाठ के कुछ अंशों को पढ़ाया और नाटक के कुछ अंश अपन ने पढ़े। आगे की क्लास में इसको और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक बेटा आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है आप उसको कॉपी रजिस्टर जो भी आपने बनाया है आप उसमें उसको नोट भी करते जाइए। धन्यवाद।